आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं HTML लैंग्वेज के ज़रिए। तो मैं विन की आर प्रेस करता हूँ और अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर बेसिक कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, HTML के नीचे खुलता है हेड, हेड के नीचे खुलता है टाइटल। टाइटल में लिख देते हैं नेविगेशन, टाइटल क्लोज, टाइटल के नीचे हेड बनेगा, हेड के नीचे बॉडी खुलेगा और HTML के ऊपर बॉडी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अब ये हो गई बेसिक कोडिंग। इसको हम सेव करा देते हैं डेस्कटॉप की लोकेशन पे। उसको नाम दे देते हैं नेविगेशन और एक्सटेंशन देंगे .html। ठीक है, और इसको सेव करा देते हैं। इसको मिनिमाइज करके गूगल क्रोम पे ये आ गई हमारी फाइल। इसको ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम पे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ टाइटल दिया तो नेविगेशन लिखा हुआ आ गया। अब हम इस पर मजीद काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, DIV डिव। डिव क्लोज करेंगे। ठीक है, डिव के अंदर खोलेंगे यूएल, यूएल क्लोज करेंगे। यूएल के अंदर एलआई खुलता है। ठीक है, और एलआई के अंदर जो है हम एंकर टैग लगाएंगे। पहले एलआई ऑन और ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपरली समझ आ जाए। ठीक है, एलआई खुल गया, एलआई बंद हो गया। अब इसके बीच में एंकर टैग खोलेंगे, AH रेफर्स इक्वल्स टू हैश लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं होम, और उसके बाद यहाँ एंकर टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आप देखें ये एल आई एच रेफर्स होम और एंकर टैग क्लोज और एल आई ऑफ। इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ होम का नाम जो है वो रख देंगे गैलरी, GALLERY, गैलरी। और यहाँ पर रख देंगे अबाउट। ठीक है, और एक और बार हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और ये टैब की मदद से इनको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव हो गया। ठीक है, अब गूगल क्रोम पे इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, देखें आपके पास जो है अनऑर्डर लिस्ट एक आ गई है, होम गैलरी अबाउट और कॉन्टैक्ट अस की। ठीक है, अब हम इसकी CSS करने जा रहे हैं। अब हम इसकी CSS करेंगे तो हम हेड के अंदर स्टाइल खोलेंगे। स्टाइल का टैग लगता है STYLE स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल का टैग जो है वो ऑफ होएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है, सबसे पहले हम बॉडी को टारगेट बनाते हैं। ठीक है, और मार्जिन पैडिंग जो है वो 0 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो डिव है ना, इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास इक्वल्स टू नेव। इसका नाम रख देते हैं नेव, क्योंकि हम नेविगेशन बार बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिव के अंदर एक क्लास दे दी नेविगेशन के नाम से, नहीं नेव। तो अब यहाँ पर क्लास को कॉल करने का तरीके क्या, डॉट डॉट नेव। ठीक है, इसको हमने टारगेट बनाया। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड देंगे, BACKGROUND बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्लू कर देते हैं, अभी फिल वक्त चेंज कर देंगे बाद में। और हाइट इसकी रख देते हैं हाइट इक्वल्स टू 50 पिक्सल्स, टर्मिनेट। उसके बाद इसको फ्लोट राइट कर देते हैं, टर्मिनेट, कंट्रोल एस। इसके बाद डॉट नेव, नेव के अंदर जो यूएल है अब उसको टारगेट बनाएंगे। ठीक है, उसकी मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे, मार्जिन इक्वल्स टू 0 पिक्सल्स, टर्मिनेट। उसकी पैडिंग जो है वो भी कर देंगे 0 पिक्सल्स, टर्मिनेट। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे एक बार पेस्ट करेंगे। देखें नेव के अंदर जो यू एल है उसके अंदर जो एल आई है, यानी जो लिस्ट बनी हुई है उसके साथ क्या करें, उसके साथ ये करें उसको डिस्प्ले जो है ना उसका, वो इन लाइन माइनस ब्लॉक, BLOCK, इन लाइन माइनस ब्लॉक। ठीक है, ये अभी यहाँ पर ब्राउज़र में ये वर्टिकल आ रही है, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ठीक है, देखें ये हॉरिजॉन्टली आ गए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नेव है, नेव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एल आई है, एल आई के अंदर जो एंकर टैग है, अब उसको टारगेटेड बना के उसका कलर रेड कर देंगे, उसका फॉन्ट साइज जो है 15 पिक्सल्स कर देंगे।
टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी नन कर देंगे, पैडिंग उसकी जो है टॉप से और लेफ्ट से 20-20 पिक्सल्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लोट उसको लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी और नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको टारगेट बना के काम करते हैं। नेव के अंदर जो यूएल था उसके अंदर एलआई थी, उसके अंदर एक एंकर था, ठीक है ना। तो उस पर हमने काम किया था। अब एंकर के अंदर, ठीक है, हम उसको होवर करेंगे, होवर के ऊपर काम करेंगे, होवर को टारगेटेड बनाएंगे। तो ये जो नेव था उसके अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर, जो एंकर का जो होवर है यानी माउस जब उस पर ले जाएं तो वो कैसा एक्ट करे उसे होवर कहते हैं। तो उसका कलर हम ब्लैक रखते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड उसका वाइट रखते हैं, और पैडिंग उसकी जो है टॉप लेफ्ट और बॉटम और राइट से जो है ना उसको 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, 20 और 40, ठीक है, इस रेशियो से हम रख देते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट्रा टैब करेंगे, ठीक है, और F5 दबाएंगे, ये हमारे ब्राउज़र में लोड हो गया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी नेविगेशन बार जो है वो बन गई है। अब पीछे इसके ब्लू कलर है उसको हम ब्लैक करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें हमारी नेविगेशन बार बन चुकी है।